उत्तर प्रदेश में दलित समाज की पूजनी बीएसपी का अस्तित्व अब खत्म होने जा रहा है। एक युवा ने अपने दम पर प्रदेश और देश में दलित राजनीति का नया स्वरूप तैयार कर लिया है, जिससे मायावती को लगातार अपनी विरासत को खोने का डर है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में दलितों की मसीहा बनने का जो ओरा बसपा सुप्रीमो ने बना रखा था, वो अब समाप्त होता जा रहा है। दिल्ली में संत रविदास के मंदिर को तोड़ने के बाद जिस तरह से भीम आर्मी ने विरोध दर्ज कराया है, उससे मायावती को अपने समांतर एक नया नेता दिख रहा है, जिसके चलते मायावती को अपने दलित वोट बैंक के खोने का डर बना हुआ है। हालांकि चंद्रशेखर को आज जितनी ख्याति मिल रही है, उसकी जिम्मेदार मायावती भी कुछ कम नहीं है। हालांकि चंद्रशेखर को कई मामलों में मुखरता और जमीन पर विरोध करने की वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा। दलितों के हक में उनके जुझारू और लड़ाकू इमेज युवाओं को रोमांचित कर रही है। देखिए, मायावती जी अपना उत्तर प्रदेश में आधार लगभग खो चुकी हैं। जो जाति की पॉलिटिक्स की थी और जाति के अंदर भी जो जाति की वो नेता थी, उसमें भी डेंट आ चुका है। और रही बात ये कि अब कई जातियों के नेता भी उसी लाइन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत केंद्र में मिला, उत्तर प्रदेश में मिला, उसने जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है, सभी जातियों को नेतृत्व मिला है, और सभी जातियों में जो भेद था उसको भारतीय जनता पार्टी लगभग खत्म करने में सफल हो चुकी है। इसलिए सारे ऐसे नेता मायावती समेत जो जातियों की पॉलिटिक्स करते थे, वो हाशिए पे आ चुके हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास का मंदिर ढा दिया गया। इसके खिलाफ आंदोलन हुए तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर इसके अगुआ हो गए। बीएसपी प्रमुख मायावती इस घटना पर चुप रही। आंदोलन के दौरान हिंसा हुई तो मायावती ने साफ कर दिया कि वह आंदोलन में किसी भी तरह की हिंसा की पक्षधर नहीं है। बीएसपी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की वकालत की और हिंसा से बीएसपी को अलग बताया, लेकिन एक भी शब्द उन्होंने घटना की निंदा के लिए नहीं कहा। बसपा सुप्रीमो किससे डर रही हैं? आपका इशारा अगर चंद्रशेखर आजाद से है, तो चंद्रशेखर आजाद दलितों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, मुद्दों के आधार पर उनके साथ खड़े हैं, और जिसकी वजह से वो जेल में जा भी चुके हैं, आज भी वो गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। तो अगर उनको डर है तो हमें लगता है कि उसके डर की वजह अवश्य होगी, क्योंकि वो बहुत सारी आंतरिक चीज़ों को उनको समझ में होगा कि क्या दिक्कतें हैं, क्या उनके लोग जो है उनकी तरफ शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ शिफ्ट तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो उनके साथ बरसों से लोग रहे हैं, उनको कैसे अपने साथ बनाए रखें, इसकी पहल उनको करनी होगी। हाल ही में चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के स्टूडेंट विंग BASF लॉन्च की। दलितों की पहली छात्र इकाई के तौर पर यह संगठन दलित युवाओं और छात्रों को बीएसपी से दूर ले जा सकता है। मायावती को यह कभी भी रास नहीं आने जा रहा, ये दोनों में खटास और बढ़ा रहा है। लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ चलकर लोकसभा के अंदर 10 सीटों पर बसपा ने जीत हासिल की, लेकिन 2022 के लिए बसपा सुप्रीमो को डर सता रहा है। वो डर चंद्रशेखर रावण से है। माना जा रहा है कि दलितों की समांतर राजनीति करने वाले चंद्रशेखर उनके लिए एक बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। बहरहाल देखना ही होगा कि आखिर जाटव वोट बैंक को बसपा सुप्रीमो कैसे साथ पाती हैं। कैमरा अंकित यादव के साथ रामनिधि भट्ट, लाइव टुडे, लखनऊ।